मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल देपालपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत काली बिल्लो बेटमा पहुंचे और निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक विशाल पटेल, जनपद सीईओ नेहा मीणा सहित तमाम बड़े अधिकारियों का अमला अफसरगण मंत्री जी के साथ रहे। मंत्री ने शासन की योजना से क्रियान्वयन के बारे में जाना, वहीं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शेड का फीता काटकर लोकार्पण किया। साथ ही ग्राम सचिवालय का निरीक्षण कर ग्रामीणों से उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की और समस्याओं को हल करने की बात कही। क्षेत्र की बड़ी पंचायत में आए पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने जब ग्रामीणों से शौचालय, खाद्यान्न और अन्य पंचायत के कार्यों की समीक्षा ग्रामीणों के साथ की तो ग्रामीणों ने पंचायत के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर बेटना क्षेत्र के स्थानीय कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। पिछले 15 वर्षों में जो हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी और जो सुदृढ़ीकरण करने का कार्य हमारी सरकार ने और खासकर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 73वां 74वां संशोधन विधेयक लाकर त्रिस्तरीय राज पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी और पंचायतों को इतने अधिकार दिए थे कि वो स्वयं अपने गाँव के विकास से लेकर सारी चीज़ों का निर्णय स्वयं करें चुने हुए जनप्रतिनिधि। पर दुख इस बात का है कि पिछले 15 वर्षों में उनको अधिकार देने की बजाय बल्कि अधिकार कम करने का काम किया गया था और सतत जो ग्राम पंचायतों में भ्रमण चल रहा है उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि हमारी ग्राम पंचायतों का समुचित विकास हो, सुनियोजित विकास हो। और जैसा कि आज अभी काली बिल्लोद ग्राम पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ पर जिस तरह से हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच और पूरी टीम, जिला पंचायत के सीईओ सबके मार्गदर्शन में जिस तरह से यहाँ पे कचरा प्रबंधन के लिए जिस तरह से काम शुरू किया है, इसके लिए आज विजिट करने के लिए आए थे और यहाँ पे किस तरह से इनको दिक्कत जा रही है और सरकार की तरफ से क्या मदद चाहिए वो हम उपलब्ध कराएंगे और हम कोशिश करेंगे कि पूरे प्रदेश में एक एक करके इस तरह की व्यवस्था लागू हो, जिस तरह से हमारे ग्राम पंचायतों में साफ सफाई की भी व्यवस्था होगी, दूसरा जो कचरे निकलता है उसका खाद भी बनेगा, लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और उसके साथ साथ और भी कहाँ हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कचरे में जो और भी बहुत सारी पॉलीथीन्स वगैरह और जो वेस्टेज निकलता है वो रिसाइकिलिंग हो जाता है, दोबारा से मार्केट में चला जाता है, पंचायत को एक आय का जरिया बनता है। तो इस तरह का काम जो हम समझते हैं कि बड़ी प्रमुखता से होना चाहिए उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में रहने वाले लोग, चाहे वो सड़क हो, चाहे नाली हो या अन्य साफ सफाई से लेके अन्य जो सुविधाएं हैं उनको मिले और उसके लिए हम लोग सतत प्रयास हैं। सर, जिस प्रकार कल आप माचल गांव में गए थे, शौचालय की जो बात है सामने आई थी, लेकिन इंदौर जिले में देपालपुर तहसील सबसे पहले जनपद ओडीएफ हुई थी, लेकिन आज भी कई लोग उससे वंचित है, तो ऐसा क्यों होता है? यह कागजों में था क्या, मैदानी हकीकत क्या है? नहीं, कुछ विसंगतियां तो हुई हैं। पहले जल्दबाजी में शौचालय बनाने का अभियान चलाया और उसका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं राशि का दुरुपयोग भी हुआ है और ऐसे जो भी गांव या जो भी घर वंचित रह गए थे शौचालय से उसके लिए हमारी सरकार ने स्वच्छता गृही भी अपॉइंट किए थे और नए सिरे से चिन्हांकन हुआ है और जो बचे हुए घर हैं वहाँ भी शौचालय हमारी सरकार की तरफ से हमारे ग्राम पंचायत या जिला जनपद के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके मार्गदर्शन में 30 अक्टूबर तक कोशिश होगी कि जो शौचालय अधूरे हैं या कंप्लीट नहीं हो पाए उनको बना लिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।